नवाब दरिया खान याम निज़ामुद्दीन जो वजीर आज़म हो उन बाबत चवण में अचे थो तो असल में ही याम साहिब के वजीर लखमीर वट नौकर हो संदस असल नस्ल जो पूरो पतो नथो पवे संदस अवायली नालो कबूलियो हो एक दफे याम नंदो शिकार ते निकतो साणस वजीर लखमीर भी गड हो रस्ते ते याम साहिब के उ लगी याम साहिब जो नौकर परे हो उन कबूले छोकरे के पानी आणी डनो याम साहिब डिठो तो उनमें के कख पियल हुआ उन बाबत इन याम का सबब पुछो इन जवाब में बुदायस त किबिला जिनके सत उ ही यकदम पानी पी सवारी कन हा तो तबियत ते खराब असर पवे हा उन कख विझी डनम त साई जिन पानी आस्तगी से पियन संदस अड़े अकुलवार जवाब का जाम साई मुतासर थी खेस पान वट नौकर कर रख जिसते आस्ते थी तरक्की कंदो तालीम तरबियत हासिल करण बैद लियाकत ईमानदारी करे पेरी वजीर ए वजीर आजम के दर्जे ते पोची नवाब खान एजम ए फर्जंद खास जा लकब हासिल कया खेस फौजन की सिपह सालारी भी मिली हाँ नवाब दरिया खान उर्फ नवाब मुबारक खान के नाले से सड़जन लगो ये उन ही अरसे में सिंध के मकानी बदअमनियन दूर करण में कामयाब थो। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम द हिस्ट्री ऑफ सिंध में मां आया अवां जो पेंजो तामीर हुसैन कियां आयो अवां सब उम्मीद आए तवां सब खुश हुंदो अल्लाह पाक जमाने में हुंदो अज जो असान जो वीडियो दूल दरिया खान के बारे में थियण वारो है तो इंशाल्लाह उम्मीद आए तो जो ही वीडियो अवां सजणन के जरूर पसंद इंदो तो इन वीडियो के जरूर लाइक कयो ए असान यूट्यूब चैनल के जरूर सब्सक्राइब कयो तो हलू था पेंजे इन वीडियो की तरफ। उन्होंने डीह में बाबर बादशाह समरकंद का निकी अची काबुल में देरो जमाय हो शाह बेग अर्गुन के खौफ का बई मुल्क वसाण के ख्याल का सिंध से संदस भाव मिर्जा सुल्तान मोमन के हथ हेठ लश्कर चाढ़े मोकिलो जिन आगरा चांडका मंदेजा माछन जो कोट अची फुरिया लुटिया उन खबर पवण से जाम नंदे वो लश्कर नवाब दरिया खान के हथ हेठ उन मुदाफ़त कर चाढ़े मोकिलो जै हल्को गोठ वट पे जंग में अर्गुन के लश्कर के शिकस्त दिनी जैमें शाह बेग जो भाव सुल्तान मोहम्मद मारजी वो बाकी संदस बचल लश्कर कंधार डां भजी वो या मामूली कामयाबी कान हुई अफगानिस्तान का इंदड़ सिपाहियों जो हिंदुस्तान सिंध से धाको वेठल हो उन्होंने के अड़ी शिकस्त फाश दियण कर वरी जाम नंदे की हयाती में अर्गुन सिंध दे रुख न रखियो यो नवाब दरिया खान के बहादुरी काबिलियत जो खुलियल सबूत हो। याम फेरोज नौजवान हो घणो वक्त राग रूप बुधण छोकरियों के नाच ऐसन मस्खरन की सोहबत बेन अड़े किस्म के अयाशी कमन में गुजारी हो हुकूमत जो कारोबार समूर नवाब दरिया खान के मथा वन पो पैदाश के ज्यादा थियण कर शाही खानदान जहाँ फर्द ए दरबार से लागापी वा मू फिजूल खर्च ए छड़वाग वह हुआ जिन के कारगुजारियों से नवाब साहब के सख्ती करनी पी उन याम साहब ए नवाब साहब के विच में शक्कर रंजी थी पी तें करे वजारत मां इस्तीफा दे अची संदस जागीरगान में रहन लगो उन याम फेरोज के रंग रनियल से नजर करो को बचो याम फेरोज उन बस न कई पर नवाब साहब की ताकत कमजोर करण लाए केबक अर्गुन ए बेन बारियन मानून के नौकरी में रखियो याम फेरोज एक खास महल उन्होंने रहने लाइ मुकर जो मुगल वारो सजण में इंदो हो उन्होंने हालत के ऐसी उन्होंने मुगलन में मीर कासिम केबक शाह बेग अर्गुन के लिखी मोकिल तो याम की हुकूमत कमजोर थी वही है याम साहिब संदस अयाशन में मशगूल है नवाब दरिया खान इन का जुदा थी वो है मैदान खाली थी मौके में फायदो वठन घुर्जे उनते शाह बेग अर्गुन वरी सिंध से हमला करण शुरू किया पे सखर पे सेवण फतेह कया आखिर में ठटे से कायो तेरे याम साहिब की अख खुली इन नवाब साहब के घुराए वरतो हालतू खराब थी चुक्य हुई बावजूद उन नवाब साहब आखिरी दम तिंध की आज़ादी नामूस इज्जत खातिर लड़ो रो शहीद थो लड़ाई हलंदे याम फेरोज भजी वही पीर पठे तरफ निकतो जिता आखिर शाह बेग के रहम की दरख्वास्त कर माफी वी सिलह ज शर्त कबूले अर्गुन के ताबे थी एक महदूद टकरी से रहने लाइ रजामद थो। नवाब साहिब सिंध के आज़ादी खातिर सिर ींदड़ सूरमन मदबिर सही राया रखंदड़ मोबे वतन में मुख्य हो उन मज़ार संदस मरबे याम निज़ामुद्दीन के उलहंद तरफ मकली टकरी से है सिंध जो मशहूर मोरख सैद असामुद्दीन राशिदी मकली नामा में संदस ला हेठन ख्याल इजहार करे तो नवाब दरिया खान इब्तिदा में लावारस छोकरो बादशाह मंझस कारगर्दगी जोहर ऐसी पान वट आणे आला तरबियत
तालीम डेई मामूली दर्जे के मुलाजिम के दर्जे त मथे चाढ़े खेस वजीर आजम के दर्जे से आंदो संदस फौजियन की सिपह सालारी भी संदस हवाले कई। मुबारक खान खान अजम जहा खिताब दे संदस मरतबो बुलंद कर आखिर खेस पैं फर्जंदी के लकब से सरफराज कर उरूज इकबाल के आखिरी मंजिल से पहुंचाया। मरदम शनास सुल्तान के मुंतखब कल मू संद कारगर्दगी सब बादशाह की जिंदगी में नमक हलाली ए जफाकशी कदे समूरी सल्तनत जो गाट ऊंचो रखो। बल्कि संदस वफात के बाद भी यो अकेलो अमीर हो जै सिंध की आज़ादी लाइ मुसलसल जदोजहद जारी रखी पैं जीअरे मुगलन के ठटे में दाखिल थियण न डनों। अवल में दर बुला खान वट पुची खेन शर्मनाक शिकस्त दई पुठते हटा आखिर में ठटे के चाट वट लड़े विणंदे तीर तलवार हणंदे खाईंदे सिर सदको कर छो। उनखा पोए खराबी सिंध जो बाब खुली पियो जै न सिर्फ ठटे पर सारी सिंध लाए गेरन जी गुलामी जो रस्तो हमवार ए साफ करे छड़ो। यो वाक्य 1926 हिजरी मुताबिक 1420 ईस्वी ते सरजद थियो। उनखा पोए सिंध 1121 ईस्वी मुताबिक 1719 ईस्वी ताई गेरन जी गुलामी हेठ रही जैके मियाँ नूर मोहम्मद कलोड़े जे डीन में मथे खणण लाए फुर्सत मिली पर संदस डीह में नादिर शाह जी कहावरी सिंध हुकूमत के कमजोर करे छड़ियो। इंशाल्लाह उम्मीद है तो अस वीडियो अवान सजन के जरूर पसंद आया हों तो असें वीडियो के जरूर लाइक कर यूट्यूब चैनल के जरूर सब्सक्राइब कर तो मिलंदी अड़ी दिलचस्प हिस्ट्रिकल वीडियो में। तेस तई असा इजाज़त अल्लाह हाफिज़।